पालना ली हुए बाबा की पालना ली हुए हैं आपसे भी अनुरोध है कि दो मिनट आप भी वो अनुभव शेयर करेंगे। ओम शांति। मम्मा जब लास्ट टूर पर निकली थी उस समय हमें 6 मास ही हुए थे इस ज्ञान पर में चलते हुए, तो उन दिनों में मम्मा लुधियाना में आई थी। 23 जनवरी को आई थी तो 26 जनवरी के दिन कई भाई बहन मम्मा से मिल गए थे। तो जब मैं गई तो देखा बाहर लाइन लगी हुई है काफ़ी, तो मैंने पूछा ये लाइन किस लिए लगी है, तो उन्होंने कहा मम्मा से सभी व्यक्तिगत मिल गए हैं। एक भाई थे वो मिला रहे थे, तो जब उन्होंने मैंने कहा मैं भी मिलूंगी, तो उन्होंने कहा फिर उन्होंने मुझे भी मम्मा के पास भेजा, तो मम्मा से काफ़ी देर दृष्टि लेती रही। तो लेते लेते फिर मम्मा पूछती है बच्ची क्या कहना है, कुछ तो बोलो। तो मम्मा को देखते ही एक ऐसी आत्मा के अंदर शक्ति भरी, बल भरा, जो एकदम अंतर आत्मा बोल उठी इस मुख से कि मम्मा मुझे आप जैसा ही जीवन बनाना है। तो जैसे ही ये बात मुख से निकली तो मम्मा ने पूछा उस भाई से कि इनके घर से और कौन कौन ज्ञान में चलता है, तो उसने कहा भाई बहन तो इनके सब छोटे छोटे हैं, इनके पिताजी आते हैं, तो कहाँ है इनका बाप, बुलाओ उनको। तो 26 जनवरी के दिन बिल्कुल ही उस जहाँ मम्मा को ठहराया था उसके कभी भी 26 जनवरी का प्रोग्राम चल रहा था पब्लिक का, तो उसमें उनकी ड्यूटी लगाई थी लिटरेचर स्टॉल को संभालने की। तो जैसे ही मम्मा ने कहा तो उनको बुला लिया। तो मम्मा ने कहा देखो आपकी बच्ची क्या कहती है, तो मम्मा उन्होंने कहा बताओ क्या कहती, तो मम्मा ने कहा कि वो ये कहती मैंने ये जीवन बनाना है। तो उसने बाप लौकिक बाप ने कहा कि मम्मा ये कैसे करेगी, एक तो भाई बहन इसके छोटे छोटे माँ है नहीं, दूसरा सारे संबंधी तो बिल्कुल एंटी हैं। जब उसने ये बात बोली कि संबंधी एंटी हैं, तो मैंने मम्मा से दृष्टि लेते लेते फिर उनको कहा कि उनको तो मैं आप ही देख लूँगी। तो मम्मा ने फिर दृष्टि दी मुझे, परखा अच्छी तो ऐसे, फिर लौकिक बाप को कहा ऐसा है कि आज आप समर्पण पत्र लिख के कल सुबह मुझे क्लास में देना कि मैं अपनी बेटी को समर्पित कर रहा हूँ, और मुझे भी कहा कि आपको भी अपना समर्पण पत्र लिख के कल सुबह क्लास में देना है। तो अगले दिन सुबह सुबह क्लास में मम्मा ने मुरली चलाई, मुरली के बाद कहती है खुशहाल कहाँ है, लेके आओ समर्पण पत्र। तो भवि सभा में मम्मा ने समर्पण पत्र उनसे भी लिया और मुझे भी मेरे से भी लिया, परंतु मम्मा को पता था कि एकदम इसको अगर झटके से अभी मैंने निकाल दिया तो कहीं इसके बाप की डिसर्विस ना हो जाए, क्योंकि भाई बहन बहुत छोटे थे, लौकिक माँ थी नहीं। सबसे छोटा भाई मैं समझती हूँ उस समय 2 साल का होगा। तो मम्मा ने कहा अब भी आप अम्बरसर में आएंगी ना मम्मा से मिलने, मैंने कहा कहते वहाँ से मम्मा तेरे को सेवा में भेजेगी। तो मैं अम्बरसर में गई, तो मम्मा ने कहा नहीं, फिर बाद में अगले स्थान पे जब मम्मा वहाँ जाएगी तब आपको वहाँ से भेजेगी। तो माना मम्मा बार बार मेरे को परखती रही कि ये अपने आप में अटल है, और वही पत्थर मम्मा ने बाबा को भी भेजे, और बाबा ने कहा कि बच्चे ने जीवन का इतना बड़ा सौदा तो कर लिया पर बाबा ने तो देखा ही नहीं।
तो बाबा के पास तो हम फिर बाद में मिलने के लिए गए थे, तो एकदम तो सेवा में नहीं निकले, लेकिन जब मम्मा ने कह दिया, बाबा ने की भी नज़रों में ये बात आ गई, उनसे भी हमें सब बल मिला, अंदर से भी आत्मा को पक्का निश्चय हो गया, तो आखिर तो ये था ही था कैसे ना कैसे इस घर से निकलना है। तो पटियाला में प्रदर्शनी होनी थी, तब मैंने अपने लौकिक बाप को कहा, मैंने कहा डैडी ऐसे प्रदर्शनी होनी है वहाँ पर फलाने दिन से, तो मैंने जाना है। मिठू दादी थी, तो मैंने कहा दादी आप उनको नहीं कहोगी कि उषा को भेजो, मैं उसको कहूँगी कि मैंने जाना है, मैं नहीं चाहती कि वो आप समझे कि इन्होंने उत्साहित करके इसको भेजा है। मैंने कहा मैं जाऊंगी और मेरा उसके बाद एक लंबा सारी जीवन का फैसला है। तो दादी समझ गई, तो मैंने लौकिक बाप को कहा एक हफ्ते के लिए जाऊंगी, चुप, जवाब नहीं देता था, ना भी नहीं करता था, हाँ भी नहीं। मैंने कल जाना है समझो सुबह, तो वो ड्यूटी जल्दी चले जाते थे, गवर्नमेंट सर्विस थी, डेली अप डाउन होता था, जलंधर में जाते थे लुधियाना से, तो सुबह सुबह जब जाने लगे तो मैंने कहा डैडी आपको पता है मैंने कल निकल जाना है, आप कल तो मिलेंगे नहीं मुझे, तो कहते चुप हो गए। तो मैंने फिर मैं तो अपने आप निकल गई। अब एक सप्ताह की छुट्टी ली थी, अब पता नहीं ये सप्ताह का कोर्स मेरा अब तक चल रहा है, मुझे लगता है कि एक दिन शायद कई कई वर्षों का होता है, वो अब तक चल रहा है, वो दिन गया आज दिन है। मैं उस लौकिक घर में ऐसा नहीं कहूँगी नहीं गई, परंतु मैं जब पहली बार भी गई तो 6 मास के बाद गई थी, वो भी सीधी पहले बाबा के घर गई। लौकिक बाप कहता कब आई, मैं कह सीधी तो आपके पास आ रही हूँ, कहता मुझे नहीं लगता, आप लगता है कल शाम को आई हो, सेंटर पर रही हो। हम चुप हो गए, क्योंकि युक्ति से उससे मुक्ति लेकर के पता नहीं बाबा ने कैसे टच किया, उसके बाद वो भी समझ गया कि अब ये पक्की हो गई। और 3 महीने के उससे पहले ही बाबा की वो मधुबन से भी लेटर आ गया कि जिनको 3 मास हो गए हैं सेंटर्स पर रहते, वो अपना समर्पण पत्र भर के भेजे, तो दोबारा भर दिया, उसको भी भेज दिया बाई पोस्ट ऑफिस में, तो कह दिया कि लास्ट दिन है परसों, तो उसने भी उसी वक्त वहाँ ऑफिस में भर करके वो पत्र भेज दिया। तो 2 बार समर्पण पत्र भी उनसे हो गया, मम्मा के आगे भी गया, फिर बाबा के आगे भी चला गया, तो उसके बाद उसको लग गया कि अब ये तो वापिस आने को नहीं है, मुझे अपने घर को खुद संभालना है। उसको तो क्या संभालना था, छोटी बहनें ही मारे से इतनी होशियार हो गई थी जो उस घर को संभालने लग गए। तो इसलिए बुद्धि में ये बात जरूर आई कि बाप ये है, बच्चे इसके हैं, मैं तो निमित्त बहन हूँ, मैं कर्म बंधन में इसके इन बच्चों की इसके बच्चों को पालने के इस हिसाब किताब में बंधूँ और अपना भविष्य ना बनाऊँ, ये तो अच्छी बात नहीं है। बस यही संकल्प एक आया जिससे मैंने ये कदम जो है उठा करके आज बाबा की सेवा में अपने जीवन को बाबा के श्रीमत के अनुकूल ये सारा जीवन सफल हो रहा है। ओम शांति।